A very good morning to all of you students. We were doing exercise 1.1 and we had done 5 questions. Now I'm going to start from the 6th question. Now if you can read the question in your book, it says Rita is a girl. She goes 20 km towards the east from point A to B. तो मैंने उसको ऐसे draw करके दिखा दिया towards east है ये direction और वो हम positive 20 से दिखाते हैं. नेक्स्ट वो बोल रहे हैं शी गोज 30 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट. तो टूवर्ड्स वेस्ट की डायरेक्शन ये वाली हुई. मैंने थोड़ा ऊपर करके सेम दिखा दिया कि बी पॉइंट पे यहाँ थी तो वो 30 किलोमीटर चली गई. ठीक है. सो द क्वेश्चन सेज कि मैं इस 30 किलोमीटर को कौन से इंटीजर से शो करूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव. सो अगर हम इस तरफ जाने वाले को पॉजिटिव से दिखा रहे हैं देन दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए मैं नेगेटिव नंबर यूज करूंगी. तो आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज नेगेटिव इंटीजर एंड आई विल शो बाय -30 किलोमीटर बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन सेज कि उसे वापस आने में कितने किलोमीटर आना पड़ेगा, या फिर हम एक बात करें तो इसमें हमें सम निकालना है. ओके. तो सम क्या होगा, मतलब एक्चुअल में उसको वापस आने के लिए क्या करना होगा. सो व्हाट आई हैव डन इज -30 प्लस 20. अब आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स याद होगा कि एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, तो ऑपरेशन तो सब्ट्रैक्शन का होता है, साइन ग्रेटेस्ट नंबर का लगता है. तो 30 इज द ग्रेटर नंबर, तो मैंने उसकी जगह 10 लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल अबाउट अ मैजिक स्क्वायर. देर आर टू क्वेश्चन, आई एम सॉल्विंग वन फॉर यू. देर आर टू क्वेश्चन एंड इट सेज दोनों में से मैजिक स्क्वायर कौन से है. याद रखिएगा कि मैजिक स्क्वायर का रूल क्या होता है कि सारी कॉलम्स का सम करेंगे, सारे रोज का सम करेंगे, प्लस दोनों डायगनल्स का सम करेंगे. अगर सबका सम सेम आता है देन वी से इट इज अ मैजिक स्क्वायर. सो मैंने क्या लिखा, C1, C2, C3 लिख दिया, column 1, column 2, column 3, row 1, row 2, row 3 लिख दिया. और मैंने ये डायगनल्स के लिए डिपेक्ट कर दिया कि D1 को कैलकुलेट करूंगी, D2 को. चलो मैंने सच स्टार्ट किया. अगर मैं रो 1 को ऐड करती हूँ तो 5 प्लस -1 प्लस -4. तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करनी पड़ेगी. 5 प्लस -1 का मतलब ये है कि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन ग्रेटर नंबर का लगेगा. तो 5 में से 1 गए 4 होता है और 5 ग्रेटर नंबर है, 5 का साइन पॉजिटिव है तो 4 का साइन भी पॉजिटिव होगा. ऐसे इसमें +-4 कर दिया तो 4 में से 4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगेन होगा सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा, बट 0 ही आंसर आ गया. तो इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. सो आई हैव रिटन लाइक दिस. ऐसे ही आपके सारे सम्स हो जाएंगे, C1 C2 सबके सम 0 आने लग जाएंगे. तो आप खुश मत हो जाना कि मेरा ये तो मैजिक स्क्वायर आ गया और आंख बंद करके लिख दिया. नहीं, अंटिल एंड अनलेस आप सारे सम्स को कैलकुलेट ना कर दीजिए जैसे कि मैंने किया. मैंने जब डायगनल 1 को किया तो मेरा 0 आया, बट जब मैंने डायगनल 2 को ऐड किया दैट इज -4 -2 और 0, तो मेरा आंसर -6 आया. तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 सम 0 थे, बट 8वां जो लास्ट चीज थी वो -6 आ गई. सो आई कैन से दैट दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप खुद से ट्राई करेंगे. ठीक है, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन इन योर नोटबुक्स. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज वेरीफाई. अगेन वेरीफाई जब भी होता है, वेरीफाई हमें एक इक्वेशन करनी होती है, राइट. तो इक्वेशन में, इक्वेशन क्या होती है हमने पढ़ी थी, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और उसकी एक राइट हैंड साइड होती है. तो अगर मैं बोलूं मुझे कौन सी इक्वेशन को वेरीफाई करना है, तो ये उसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये उसका राइट हैंड साइड है. ठीक है, और फिर मुझे वैल्यूज दे रखी है कि ए को 21 मान लो, बी को 18 मान लो. तो मैं उनको पुट करके चेक करूंगी. तो फर्स्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन लिखी a-b. ठीक है, ए की जगह क्या लिखना है 21, बी की जगह क्या लिखना है 18. अब इसको सॉल्व करते हैं. 21 -18, तो -- प्लस हो जाता है, या तो ऐसे याद कर लो, या फिर माइनस का साइन एडिशन में करके हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखते थे. तो -18 का एडिटिव इनवर्स +18 होता है, तो +++ ही होता है. तो 21 + 18 कितना हुआ 39, जबकि राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है a + b, दैट इज a की जगह क्या लिखूंगी 21,
बी की जगह क्या लिखूंगी 18, 21 प्लस 18 कितना होता है 39, सो आई कैन से दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके, सो ऐसे और भी पार्ट्स हैं जो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल सॉल्व। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज यू हैव टू कंपेयर टू साइड्स की विच इज ग्रेटर, विच इज स्मॉलर और विच इज इक्वल। सो अगेन आपको दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरफ ये लिखा हुआ है, एक तरफ ये लिखा हुआ है। सो -8 प्लस -4, दो इंटीजर्स एडिशन में है, दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव होते हैं तो सम ऑपरेशन तो एडिशन का होता है और साइन ग्रेटर नंबर का लगता है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव ही साइन लगता है। तो 8 प्लस 4 12 और फिर साइन लग जाएगा माइनस का। जबकि मैं इस तरफ देखूं -8 माइनस -4, अब ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, हम सब्ट्रैक्शन के साइन को ऐड कर देते हैं, आप इसका नंबर एडिटिव इनवर्स लिख देते हैं, तो वो प्लस 4 लिखने के बजाय मैंने सीधा 4 भी लिख दिया, ये वाला प्लस आ गया। ठीक है, तो -8 प्लस 4 का मतलब है एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। देन आई विल हैव टू डू द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, करूंगी तो इनको सब्ट्रैक्ट और साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का। तो -8 मतलब 8 में से 4 गए 4 और ग्रेटर नंबर 8 है, 8 का साइन नेगेटिव है इसलिए इसका साइन भी नेगेटिव होगा। ओके, सो आप बताइए कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है या 4 बड़ा है? हमारा वैसे जब हम 12 और 4 को देखते हैं तो 12 बड़ा होता है, बट जब हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं तो हमारी इक्वेशन बदल जाती है। जो नंबर छोटा होता है और साइन में उसका माइनस लगा होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, दैट मीन्स जितनी डिजिट कम होगी उतना बड़ा वो नंबर होगा। ओके ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसकी पिक्चर भी बनी हुई है और वहां एक मंकी बना हुआ है, और आपको पता होगा कि मंकी बहुत ही चंचल और बहुत ही नॉटी सा होता है, राइट? सो अब हमारा ये जो मंकी है इसके एक स्टेप, मतलब ये अगर छलांग लगाता है, एक जंप करता है तो सीधा बता रखे है 3 स्टेयर्स कूद जाता है नीचे, पर जब ऊपर चढ़ता है तो 2 स्टेयर्स चढ़ता है। ऑब्वियसली ये वैसे भी होता ही है, अगर हम 3 स्टेयर्स स्किप कर सकते हैं तो वापस ऊपर चढ़ने के लिए कम ही कर पाते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो एक वाटर टैंक में गया जहाँ पे 9 स्टेप्स थे, 9 सीढ़ियाँ थी, और हमें बताना है कि कितनी इसकी जंप्स लगेंगी कि ये अपने वाटर टैंक को टच कर पाएगा, समझ आया? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें इंटीजर्स की हेल्प ना भी लूं तो भी मुझे समझ आ जाएगा। चलो हम करते हैं। मैंने कहा मैंने ये सारी ड्रॉ कर ली इसकी सीढ़ियां, ओके, अब मुझे उसका ये पता है कि उसकी एक जंप 3 की तरफ नीचे जाती है, तो मैंने नेगेटिव लिख दिया और फिर 2 ऊपर आती है, ठीक है। अब देखो एक जंप की उसने फर्स्ट जंप पे वो कहां पहुंचेगा, 1 2 3, वो पहुंचेगा 4th लेवल पे, ठीक है, ताकि मैं याद रखूं एक जंप। फिर जो नेक्स्ट जंप होएगी उसमें वो वापस ऊपर 2 चढ़ जाएगा, तो कौन से लेवल पे पहुंचेगा, 2nd लेवल पे। हमें कब टच करना है फर्स्ट टाइम, 9th लेवल पे फर्स्ट टाइम कब वो पहुंचेगा। अच्छा चलो, अभी 2 पे आया, 2 पे -3 दोबारा नीचे जाएगा तो 5 हो गया, ठीक है, और उसके बाद वापस ऊपर आया तो 3rd लेवल हो गया। नेक्स्ट फिर वो 3 बार नीचे जाएगा तो वो 6th लेवल पे आ गया, उसके बाद वापस 2 पर गया 4th लेवल पे आ गया, फिर वापस 3 लेवल नीचे आया 7th लेवल पे आ गया, 7th लेवल से ऊपर गया 5th लेवल पे आ गया, 5th लेवल से फिर से 3 नीचे गया 8th लेवल पे आ गया, वापस 2 पर गया 6th लेवल पे आ गया। अब 6th से जब वो 3 टाइम जंप करता है तो वो वाटर टैंक की लास्ट सीढ़ी तक आ जाता है, और हमें यही बताना था कि वो फर्स्ट टाइम 9th लेवल पे कब आता है। तो मैंने इसको एज इट इज लिख लिया, जितने मैंने माइनस, तो एक जंप, ये कितनी जंप हुई, एक जंप, 2 जंप, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल उसको 11 जंप्स लगी ताकि वो वाटर टैंक तक पहुंच सके, गेटिंग इट। सिमिलरली मुझे बोल रखा है, अगेन वो बहुत नॉटी सा है मंकी, तो अब उसने अपना पैटर्न चेंज कर लिया। अब उसने कहा वो जब नीचे, अब वो नीचे था, ठीक है, नीचे वाटर टैंक पे पहुंच गया, उसे वापस ऊपर आना है।
अब वो जंप करता है तो 4 टाइम्स ऊपर जाता है, 2 टाइम्स नीचे आता है। अब ये बताओ वो फर्स्ट टाइम ऊपर कब जाएगा? ये आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो मैं फिर से दोबारा करा देती हूँ। अगर वो 9th पे है अभी, ठीक है, एंड ही इज गोइंग अप, तो कौन से लेवल पे पहुंचा? 5th लेवल पे। 9 माइनस 4 भी कर सकते हैं, 9 माइनस 4 5 हो गया। फिर वो नीचे जाएगा तो +2, देन 7 आ गया। 7 पे वापस ऊपर जाने के लिए वो क्या करेगा? 4 टाइम्स ऊपर जाएगा। 4 टाइम्स ऊपर जाने का मतलब है -4, क्योंकि सीढ़ी कम हो गई ना, 3rd लेवल पे आ गया वो। 3rd लेवल से +2 जाएंगे तो वो 5th लेवल पे आ गया। 5th लेवल से 4 जंप्स की उसने तो फर्स्ट लेवल पे आ गया। एग्जैक्टली 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1st लेवल। और मुझे यही बताना था वो 1st लेवल पे कब आता है। अगेन उसकी जंप्स कितनी लगी, तो वो तो मुझे नंबर ऑफ जंप्स काउंट करनी पड़ेगी। सो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5th जंप, 5 जंप्स उसको लगी कि वो वापस ऊपर टॉप पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे -3 प्लस 2, ऐसा कितनी बार लिखें? ये रहा क्वेश्चन, अगर आपको मैं दिखा दूं कि -3 प्लस 2 कितनी बार लिखूं कि आंसर -8 आ जाए, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि -3 प्लस 2 होता कितना है। बताइए, प्लस का साइन माइनस का साइन होगा तो माइनस मतलब ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का होगा तो 1 आया, और साइन ग्रेटर नंबर का लगा तो -1। दैट मीन्स इसका नेट इफेक्ट -1 होता है। अच्छा, -1 को कितनी बार लिखूं कि -8 आ जाए? ऑब्वियसली 8 टाइम्स लिखूंगी तो आ जाएगा, है ना? तो मैंने यही दिमाग लगाया, तो मैंने इसको एक पेयर मान लिया और मैंने इसको 8 बार ही लिख दिया सेम। तो मैंने -3 प्लस 2 सेकेंड टाइम, -3 प्लस 2 थर्ड टाइम, -3 प्लस 2 फोर्थ टाइम, -3 प्लस 2 फिफ्थ टाइम, -3 प्लस 2 सिक्स्थ टाइम, -3 प्लस 2 सेवेंथ टाइम, -3 प्लस 2 एट्थ टाइम। इन सब का आंसर -1 -1 को जब हम ऐड करेंगे 8 बार ही, तो आंसर -8 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में कि +4 -2 को कितनी बार करूं कि आंसर पॉजिटिव का 8 आ जाए। 4 माइनस 2 कितनी बार करूं कि आंसर 8 आ जाए। अब 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। 2 को कितनी बार ऐड करूं कि 8 आ जाए? 4 टाइम्स। तो मैं इसी चीज को 4 टाइम्स रिपीट कर दूंगी। तो 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2। अगर आपको अपना आंसर रीचेक करना है तो आप क्या कर सकते हो? 4 माइनस 2 2 प्लस 4 माइनस 2 2 प्लस 4 माइनस 2 2 प्लस 4 माइनस 2 2 8 आ गया। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज 8। गेटिंग इट? दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। यू विल डू द रिमेनिंग पार्ट्स एंड रिवाइज द फर्स्ट एक्सरसाइज वेरी केयरफुली।